हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है टेक्नो पोफा 2। आज इस वीडियो में इस फोन का वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। सबसे पहले प्राइस बता दूं, हमारे पास है 4GB 64GB वेरिएंट और इसका जो प्राइस है वो 11,000 रुपीज। अभी चलिए कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले साउंड टेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो चलो। साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज़्यादा लाउड नहीं है इसका स्पीकर, क्योंकि इसका स्पीकर ऊपर में दिया है, नीचे में नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कैमरा टेस्ट करके, तो चलिए एक बैक कैमरा सैंपल खींच लेते हैं और एक सेल्फी कैमरा सैंपल हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा सैंपल कैसा है। यहाँ पे देख लीजिए, कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, कैमरा क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं टैप कर रहा हूँ, ओपन कर रहा है। फेस अनलॉक ट्राई करते हैं। यहाँ पे फेस अनलॉक भी बढ़िया काम कर रहा है, फेस अनलॉक में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी इसके अंदर हम लोग पानी को गिराएंगे, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर। तो चलो फोन को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और चलो 1 2 3। यहाँ पे मैं पानी को गिरा चुका हूँ। अभी चलिए स्टॉप वॉच को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट तक वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये फ़ोन डैमेज होता है कि नहीं। ऐसे भी आप लोग टेक्नो पोवा का जो वाटर टेस्ट था वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए हो, तो इस वीडियो में भी उतना ज़्यादा प्यार दिखाना और लाइक वगैरह ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिस्क लेना पड़ता है, उसके बाद जाके ये वीडियो मैं बना पाता हूँ। तो एक लाइक दबा देना और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 30 सेकंड हो चुका है और यहाँ पे मैं फ़ोन को पलट देता हूँ। ऑब्वियसली पानी के अंदर फ़ोन काम नहीं करता है, तो ये फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट के बाद हम लोग फ़ोन को ड्राई करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, और बबल्स वगैरह आ रहा है, मतलब फ़ोन के अंदर पानी जा चुका है। तो देखते हैं बाकी फ़ोन की तरह ये फ़ोन डैमेज होता है कि नहीं या कितना अच्छा चल पाता है। तो यहाँ पे 51 52, तो 60 सेकंड के बाद हम लोग पानी से निकालेंगे फ़ोन को। यहां पे 1 मिनट हो चुका है, तो चलो फोन को निकालते हैं पानी से। और सबसे पहले अगर आपके फोन पानी में गिर जाए या बारिश में भीग जाए तो आपके फोन टिकेगा कि नहीं देखते हैं। और आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना, अगर आपके फ़ोन भीग जाता है तो ड्राई कर लीजिएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके फ़ोन पानी में गिर जाता है या बारिश में भीग जाता है, आपके फ़ोन टिकेगा कि नहीं, वो दिखाने के लिए ये टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग घर में ट्राई मत करना। तो चलो ड्राई हो चुका है कुछ टाइम के लिए, अभी चलिए साउंड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्पीकर के अंदर थोड़ा पानी गया है, इसीलिए दब जा रहा है साउंड। और यहाँ पे गौर से देख लीजिए, हेडफोन का सिंबल आ चुका है, मतलब हेडफोन सिंबल के अंदर पानी जा चुका है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से सेक कर लेंगे ताकि हेडफोन जैक से पानी बाहर आ जाए। तो देखते हैं, अभी भी नहीं आया है। यहाँ पे हेडफोन जैक दिखा रहा है दोस्तों, मतलब हेडफोन जैक के अंदर पानी चला गया है। कैमरा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा सैंपल खींच लेंगे और बैक कैमरा सैंपल भी हम लोग खींच लेंगे और देखते हैं कैमरा क्वालिटी कैसा है, कैमरा में कोई भी कमियां है कि नहीं। कैमरा ठीक ठाक है, कैमरा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेस अनलॉक भी बढ़िया काम कर रहा है, फेस अनलॉक में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी दोस्तों हम लोग चार्ज में लगाएंगे और देखेंगे चार्ज होता है कि नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं, हेडफोन जैक के अंदर तो पानी जा चुका है। चार्ज हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए चार्ज हो रहा है, तो चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलिए हम लोग मेन टेस्ट करेंगे, हेडफोन जैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे चलो यहाँ पे हम लोग गाना प्ले करते हैं और हेडफोन को लगाते हैं। यहाँ पे हेडफोन में लगा चुका हूँ और साउंड को लाउड कर देता हूँ ताकि हेडफोन में सुनाई दे के नहीं। देखते हैं, आप सुनोगे, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हेडफोन में आवाज़ आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हेडफोन जैक के अंदर पानी
मतलब जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे हेडफोन का सिंबल आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंट किया है। और स्पीकर थोड़ा डैमेज हुआ है, इसके अंदर पानी गया है। ड्राई करेंगे हम लोग 48 आवर्स के लिए, उसके बाद डिटेल रिव्यू में मैं आप लोगों को बता पाऊंगा ठीक से हेडफोन डैमेज हुआ कि नहीं। अभी ठीक ठाक काम कर रहा है, स्क्रीन वगैरह ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेडफोन जैक और स्पीकर में पानी गया है, तो अगर आपके फ़ोन पानी में गिर जाता है तो डैमेज होने का चांसेस है, ये ध्यान में जरूर रखना, पानी में मत गिराना। ये था वाटर टेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।